हे गाइस, आज मैं अमन ओइंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है मछली, ड्राई मछली, देन ड्राई चिली, देन सॉल्ट, देन चेरी टमाटो, और मैंने चावल लिया है, चावल के छोटे छोटे दाने लिए हैं जिसे हमने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा है। दाल को भी हमने सेम किया है, जिसे हम पानी में भिगा के ही रखा है, पकाने से पहले इसे भिगो के रख लेना चाहिए। पानी उबाल लीजिए पहले, देन पानी जब उबल जाएगा तो इसमें हम लोग जो चावल के छोटे छोटे दाने हैं जो हमने भिगाए थे, उसे हम लोग इस पर डाल देंगे। उसके बाद दाल की बारी है, हम दाल उसके बाद डालेंगे। देन सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, देन टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और इसे हम बंद करके थोड़े पका लेंगे। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे इस पर। तो हम लोग ड्राई चिली डाल रहे हैं तोड़ कर, आप चाहे तो इसे अब ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आप लोग को जानना है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि बाकी इंग्रेडिएंट कब डालना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चम्मच से उठा लीजिए दाल को, और दाल को देखिए कि अगर दाल फट चुका है या दाल पूरा पक चुका है तो आप इस पर बाकी इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दाल पक चुका है इसलिए हम लोग चेरी टोमेटो और ड्राई फिश इसमें हम लोग डाल रहे हैं, और इसे थोड़ा सा हिला दीजिए। हिलाने के बाद यहाँ पर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, और चाहे तो आप ये टोमेटो जितने भी हैं आप स्मैच भी कर सकते हैं, और कोई कोई लोग को ये टोमेटो स्मैच ना करना भी पसंद है, तो आपको जैसा पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोमेटो को स्मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये गोल गोल ही रहता है, तो स्मैच करने से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, तो हम लोग यहाँ पर स्मैच कर दे रहे हैं। तो अब लास्ट में हम डालेंगे कोरिएंडर। जब सब्जी पक चुका है, लास्ट में जब सब्जी को उतारने वाले हैं तब हम कोरिएंडर डालते हैं। तो जो सब्जी आराम से पक चुका है, खाने लायक हो चुका है, इसलिए हम कोरिएंडर डाल रहे हैं। और ये कोरिएंडर डालने के बाद इसे थोड़ा सा खिला दीजिए चम्मच से। So guys, if you like my video, please do like, share and subscribe my channel. And while you're subscribing, please don't forget to hit the bell icon. For now, bye bye, take care.